नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा। तो रुक करते हैं खबरों का। जननायक चौधरी देवीलाल के परिवार में जींद के पांडु पिंडारा से नई पार्टी का आगाज होने वाला है। इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला समस्त हरियाणा रैली में नया झंडा और नया डंडा अपने समर्थकों को देने वाले हैं। दुष्यंत के समर्थकों में नई पार्टी को लेकर काफी उत्साह है और उन्होंने जोर शोर से दिल्ली के लिए रवाना होना भी शुरू कर दिया है। बहादुरगढ़ से दुष्यंत के कट्टर समर्थक और युवा इनेलो के पूर्व ग्रामीण हल्का अध्यक्ष प्रवीण राठी हजारों लोगों के साथ शहर में जुलूस निकालते हुए दुष्यंत समर्थक रैली के लिए रवाना हुए। रैली में जाने से पहले दुष्यंत समर्थकों ने जमकर दुष्यंत दिग्विजय जिंदाबाद के नारे भी लगाए। दुष्यंत समर्थकों का कहना है कि आज से हरियाणा में नया आगाज होगा। दुष्यंत चौटाला ही हरियाणा के अगले सीएम होंगे और ये रैली हरियाणा के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। आज ऐसा अजीत चौधरी देवीलाल अमर रहे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, नैना चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, दिग्विजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। आज बहादुरगढ़ हल्के से हजारों की संख्या में युवा साथी, मातृ शक्ति, बुजुर्ग नौजवान साथी पांडु पिंडारा जींद की धरती पर एक नई पार्टी का आगाज होगा, जिसका नेतृत्व तो भाई दुष्यंत चौटाला जी करेंगे और उसमें सभी ये युवा साथी और मातृ शक्ति और बुजुर्ग सभी उसमें सहभागी होंगे। झज्जर में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर भाईचारे को दांव पर लगाकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हम भाईचारे पर आज नहीं आने देंगे। दरअसल सांसद बिरधाना गांव में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी को 4 साल में 4 बार फौज बुलानी पड़ी, युवाओं को गोलियों से छलनी किया गया, जबकि कांग्रेस राज में किसी को डंडा तक नहीं मारा गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने किसानों की कमर तोड़ने का काम किया है। खाद पर टैक्स लगाकर डीजल की कीमत बढ़ाकर किसान को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया। सांसद ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर किसान का कर्ज एक कलम से माफ किया जाएगा और हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन 3000 कर दी जाएगी। एग्जिट पोल लिए सबसे ज्यादा हरियाणा का, राजस्थान का सबसे ज्यादा एग्जिट पोल हरियाणा की जनता है। हरियाणा की जनता में जिससे पूछ लो, साथ लगा हुआ स्टेट है, सबके पास अपने रिश्तेदारी जानकारी रहती है राजस्थान में, तो ये इनका तो अपना सबको पता है कि भाई क्या होने जा रहा है। इसीलिए लोगों में आज एक खुशी का बयान दिया है, गुंडागर्दी वाला तो सामने आया, तो उस बारे में क्या बोलते हैं? मैं देखिए बड़े निंदनीय, बहुत ही निंदा करते हैं इस तरह का। क्या राजनीतिक स्तर कितना गिराना चाहेंगे, कहाँ लेके जाएंगे राजनीति, बीजेपी वाले सोचें इस बात को। और प्रजातंत्र इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए, सो मोटो संज्ञान लेना चाहिए। क्या ये इस तरह के क्या बयान दिए जाने चाहिए? मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, क्या इस तरह के बयान प्रजातंत्र में दिए जाने चाहिए? और इनके पास सारी पुलिस, सारी इलेक्शन कमीशन है, उनको ध्यान देना चाहिए कि किस तरह का कौन लोग हैं ये, जो इन्होंने कहा कि भाई जो है हथियार बांटेंगे, पैसे बांटेंगे, स्वर्णिम स्टेज से कहा। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, या विश्वास नहीं हो रहा कि भाई ऐसे पद पर बैठे हुए मंत्री जो इनके रोहतक के हैं, वो इस तरह के बयान देंगे। कांग्रेस विधायक दल नेता किरण चौधरी ने फसल बीमा योजना को बड़ा घोटाला बताते हुए कहा कि इस योजना के तहत पूंजीपतियों ने 20,000 करोड़ रुपए अपनी जेब में डाले हैं। यह बात उन्होंने भिवानी में हो रहे परिवर्तन सम्मेलन के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आरटीआई से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार फसल बीमा योजना के तहत कंपनियों ने 27,000 करोड़ रुपए जुटाए, जबकि फसल बीमा योजना का भुगतान मात्र 7,000 करोड़ रुपए ही किया गया। यह मामला उन्होंने विधानसभा में भी उठाया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अकेले भिवानी जिले के किसानों के बीमा के नाम पर 22 करोड़ रुपए लेकर कंपनी फरार हो गई है। जनसभा को संबोधित करते हुए किरण चौधरी ने कहा कि अब भिवानी की जनता को चुनाव के लिए कमर कस लेनी चाहिए। किस तरह से पूरे हरियाणा के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर बीजेपी की पूरी तरह से पोल खुल गई। जिस तरह से इन्होंने झूठ बोली, लूट और खसोट की राजनीति करी, आम जनता को त्रस्त करा है, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक आवाज गई है। और जिसका परिणाम आप 12 तारीख को आप देखेंगे। मैं छत्तीसगढ़ में भी होके आई, मध्य प्रदेश गई थी मैं चुनाव के लिए, और साथ के साथ अभी राजस्थान होके आ रही। लोग इतने व्याकुल थे कि जी कब हमारा रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा। हम इन झूठों को हम इनको बाहर फेंकना चाहते, वो इसलिए कि हमने देख लिया
बहुत लंबे चौड़े वायदे इन्होंने करे, एक से एक बढ़ के झूठ, एक से एक बढ़ के पुलंदा झूठ का, सारे की सारी बातें जो है आज सामने आ गई और लोग जान गए हैं कि विकास का कार्य अगर कोई करता है तो वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो है वो ही वे विकास का रास्ता आगे दिखाते हैं। महेंद्रगढ़ के जाटवास में जांजडियावास रोड पर एक सड़क हादसे में जांजडियावास निवासी 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। दरअसल युवक अपने भाई की शादी का निमंत्रण देने जा रहा था। 10 तारीख को लगन और 12 तारीख को भाई की शादी होनी थी। गांव के किसी भी घर में चूल्हा नहीं चला है और इसका सबको बहुत दुख है। मृतक के पड़ोसी नरेंद्र कुमार ने बताया कि मास्टर धर्मवीर का लड़का शैलेश और उनका भतीजा श्रीकांत दोनों एक शादी के कार्यक्रम के लिए जाटवास गांव में आए हुए थे और जब यह रात को दोनों वापस जा रहे थे तो सामने से एक सफेद कार आई जिससे बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया और युवक की जान चली गई। सूचना मिलने पर हम मौके पर गए और वहां कोई गवाह नहीं मिला। आईओ रोहताश कुमार ने बताया कि बच्चे एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल भेज दिए गए और जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। मास्टर धर्मवीर जी का लड़का और उनका भतीजा, ये दोनों शादी के कार्यक्रम में जाटवास गांव में आए हुए थे और जब ये रात को वापस जा रहे थे दोनों बच्चे तो एक कार आई सफ़ेद रंग की। उस कार ने बिल्कुल ऐसी हालात में चलती हुई आ रही थी कि दूर से देखते ही ऐसा लग रहा था कि कोई हादसा होगा। तो एक बच्चा तो श्रीकांत नाम का जो है वो सड़क से बिल्कुल नीचे उतर गया और एक सड़क की साइड था, तो जो सड़क की साइड जो बच्चा था उस बच्चे के ऊपर से वो गाड़ी निकल गई जिससे बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। ये रात को 11:30 बजे की बात है, जो दुलोठ को जाने वाले सड़क पर मेयर जाटवा से निकलने के बाद मोड़ के पास एक्सीडेंट हुआ है। रात को में मौका कोई गवाह नहीं मिले, कार्रवाई हुई नहीं, लड़के को एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल भेज दिया गया था पहले ही और यहाँ डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। सुबह ही हॉस्पिटल में कार्रवाई लिए श्रीकांत सर सुरेंद्र की ने अपनी दरखास्त पेश की है। इस पर कार्रवाई जो है ये गाड़ी नंबर 426/58/63 का जो है एक्सीडेंट करके ही है, इसके मालिक का पता करके जल्द से जल्द कार्रवाई हम लोग ले जाएंगे और शीघ्र से शीघ्र पीड़ित को न्याय दिलाएंगे। पलवल में 4 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी देते हुए पलवल महिला थाना प्रभारी कमला देवी ने बताया कि एक पीड़ित महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी 4 वर्षीय पौत्री गत 7 दिसंबर की दोपहर करीब 3 बजे घर के बाहर खेल रही थी। उसी समय गांव रामपुर खोर निवासी मनोज बच्ची को उठाकर अपने घर ले गया, जिसके बाद पीड़िता भागकर मनोज के घर पहुंची और धक्का मारकर दरवाजे को खोला तो देखा कि मनोज बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था। बच्ची की दादी को देख मनोज उसे छोड़कर फरार हो गया। तबीयत खराब होने पर बच्ची को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया है और मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर बच्ची का मेडिकल कराया और प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को घर भेज दिया। पुलिस ने आरोपी को उसी के गांव से गिरफ्तार कर लिया और शनिवार को अदालत में पेश करने आई हिरासत में जेल भेज दिया। लड़की अपने घर के बाहर खेल रही थी, एक आरोपी उस लड़की को लेके वो अपने घर में ले गया और उसके साथ कपड़े उतार के बलात्कार करने की कोशिश की। दर्ज कर दिया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज पुलिस अदालत की बच्ची का मेडिकल क्या सामने है? मेडिकल हो चुका है, उसके बयान 164 का है। तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव नजदीक है और बीजेपी के नेता पार्टी को छोड़कर दुष्यंत चौटाला का दामन थाम रहे हैं। ताजा मामला फरीदाबाद का है, जहां कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के करीबी रहे पूर्व पार्षद कुलदीप तेवतिया ने बीजेपी का पोस्टर फाड़कर अपनी नाराजगी जाहिर की और सैकड़ों समर्थकों के साथ जीन रैली के लिए रवाना हुए। उन्होंने जननायक जनता दल पार्टी का दामन थामा है। कुलदीप तेवतिया जो पिछले 10 सालों से बीजेपी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन दुष्यंत चौटाला की नई पार्टी बनने के बाद इनका मोह बीजेपी से भंग हो गया और उन्होंने बीजेपी पार्टी को अलविदा कहते हुए दुष्यंत चौटाला के साथ जाना उचित समझा। वहीं भाई कुलदीप तेवतिया का कहना है कि बीजेपी पार्टी के फरीदाबाद से मंत्री उनके क्षेत्र का विकास नहीं करवाते, इसी से नाराज होकर कुलदीप तेवतिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अब उन्होंने दुष्यंत चौटाला के पूरे तरीके से अपने समर्थकों के साथ साथ देने का फैसला लिया है। तो हाँ, दुष्यंत भाई का साथ देने के लिए बिल्कुल युवा जी जान से लगा हुआ है, पर भाई कुलदीप तेवतिया का बहुत ही आगे तक साथ देने के लिए युवा दिल से साथ रहेगा। मन हमारा, मेरे सभी युवा साथियों के साथ जो भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, आज दुष्यंत के साथ सभी का मन है और हम आज मतलब सैकड़ों हजारों की संख्या में
आज जींद रैली जा रहे हैं। तो ऐसा क्या मन हुआ जो आपने पोस्टर फाड़ दिए भाजपा के, मोह भंग हो गया भाजपा से? फाड़ने के तो पब्लिक ऐसे तैयार बैठी है इनको भी फाड़ने के लिए। अच्छा, आज की डेट में जो ये कर्म कर रहे हैं ना, इनके कर्मों को देखते हुए ना पब्लिक गुस्साए बैठी है, इनको फाड़ देगी पब्लिक आने वाले चुनाव में, पता लग जाएगा इनको भी किस तरह से चुनाव लड़ा जाता है। तो हिसार के सेक्टर 15 स्थित कम्युनिटी सेंटर में शिक्षावादी और व्यापारियों की एक बैठक में भाग लेने आए हुए थे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा और व्यापार के साथ साथ देश प्रदेश को बर्बाद कर दिया, यही कारण है कि अब लोगों का बीजेपी से मोह भंग हो गया है। INLO के जिला उप प्रधान डॉक्टर CP गुप्ता, ऑल इंडिया सेल्फ फाइनेंस बीएड कॉलेज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सत्यवीर आर्य और भाजपा के नेता जयसिंह लोहचा ने विधिवत रूप से अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की। यहां पत्रकार से बातचीत करते हुए डॉक्टर तंवर ने कहा कि वो व्यापारियों और शिक्षा विदे से मिलकर उनके मुद्दों को आने वाले चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। तंवर ने कहा कि सरकार खेत में किसानों के खिलाफ पराली जलाने पर केस दर्ज होता है, ऐसे में हिसार में ढंडुर के पास फैला कूड़ा और वहां लगने वाली आग से फैले प्रदूषण के कारण प्रदेश के मुख्यमंत्री, पर्यावरण और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी पुलिस केस दर्ज कराना चाहिए। मैं इस मामले में सैद्धांतिक तौर पे भी और नैतिक तौर पे भी बाउंड हूँ। जब एक बार लोगों ने फैसला कर लिया, लॉजिक क्या था कि जी 30-30, 40-40 कैंडिडेट हैं, इसलिए ये पंचायती चुनाव होता है, ये लोकल चुनाव होता है। जब ये लोकल और पंचायती चुनाव था तो अब कहाँ से एक एक निकल गया आगे। तो मैं और लोग हो सकता है अपनी बात से मुकर जाएं, अशोक तंवर जो कहता है वही कर देता है काम, और वही मैं समझता हूँ उसी स्टैंड पे लास्ट तक हम कायम भी हैं। और मैं आज फिर कह रहा हूँ कि अगर सिंबल पे होते तो चारों तरफ कांग्रेस ही कांग्रेस होती, 11 को तो ये लहर बनती और 16 को वोट पड़ते और 19 को फिर दूसरी लहर बनती। ये कुछ लोगों ने और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बस बात ये है। जो सफर यूं बिल्कुल जो है ना ऊपर की तरफ जहाज जो उड़ारी ले गया था ना, थोड़ा सा उसकी स्पीड धीमी कर दी है। तो माइल्स टू एजुकेट संस्था के तत्वाधान में जिला प्रशासन के सहयोग से रेवाड़ी में हाफ मैराथन का आगाज राहगीरी कार्यक्रम के साथ हुआ, जिसके शुभारंभ जिला उपायुक्त डॉ अशोक शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस कार्यक्रम में सभी शहर के युवक युवतियों सहित सभी उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया और खूब मस्ती की। हाफ मैराथन में करीब 4,000 से ज्यादा लोगों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल रहे। इस मैराथन में पहली बार लंबी रेस के विजेताओं को इनाम दिए गए। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों से खासा उत्साह दिखाई दिया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि इस तरह के आयोजन दिनचर्या में सुधार के लिए बेहद जरूरी होता है, लोगों को चाहिए कि वे टेंशन फ्री रहकर जीवन में कुछ खास करते रहे। वहीं उन्होंने शहरवासियों को स्वच्छता का संदेश देते हुए कहा कि गंदगी ना फैलाए तथा पॉलिथीन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। कि आज रेवाड़ी हाफ मैराथन का आयोजन किया है, बहुत ही अच्छा आगाज हुआ है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है। आयोजकों को, प्रायोजकों को और सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं बधाई देता हूं, और इस शहर के लिए बहुत अच्छी ये सेकंड अटैम्प्ट है और बहुत ही सक्सेसफुल ये अटैम्प्ट रही है। और इसमें स्वच्छता के बारे में बातें हुई हैं और राहगिरी का भी आयोजन हुआ है। तो आज बहुत ही एक मस्ती का दिन रेवाड़ी के अंदर सभी एज ग्रुप्स वालों के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहा। दिग्विजय चौटाला झज्जर से निकलते हुए कुछ समय के लिए झज्जर बाईपास पर रुके थे। इस दौरान उन्होंने थाना में पिछले दिनों फांसी खाने वाले राजेश के घर वालों को 1,00,000 की सहायता राशि दी। इस मौके पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हरियाणा में नया सवेरा होगा, रैली के बाद उनकी पार्टी प्रदेश में काम करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी जींद रैली में 5,00,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे, अब सभी को काम करना होगा, जो केवल बयान देते हैं उनका टाइम खत्म हो चला है। कल की रैली को लेकर के पूरी है और मेरे हिसाब से कल की रैली जो है वो ऐतिहासिक रैली होगी। एक नई शुरुआत, एक नया विकल्प हरियाणा की जनता को, हरियाणा की राजनीति में एक नया सवेरा, और जात पात धर्म मजहब और इन सब बातों से ऊपर उठ करके हरियाणा के लोगों के लिए दुष्यंत चौटाला एक नया विजन लेकर के आएंगे। सद्भाव कैसे कायम किया जाए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार कैसे किया जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार कैसे किया जाए, उसके साथ साथ सुरक्षा का भाव 36 बिरादरी के लोगों के मन में कैसे पैदा हो। तो मैं समझता हूँ कि अब वो दौर शुरू होगा जब सिर्फ काम की बात हो और मीडिया भी और हरियाणा की जनता भी काम से आकलन करे, बयानबाजी से और पॉलिटिकल वेंडेटा से नहीं,
बल्कि जो काम करे उसका उसको आगे। अक्सर एक परिवार में देवरानी और जेठानी में तालमेल न होने के चलते अनेक मामले सामने आते हैं, लेकिन जाखल नगर पालिका चुनाव में एक देवरानी ने अपनी जेठानी को मान सम्मान देते हुए चुनाव में अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसके चलते उनकी जेठानी निर्विरोध पार्षद बन गई। पार्षद बनने के बाद दोनों ने अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान मौके पर आए एसडीएम सरजीत नैन ने सभी लोगों से शांतिपूर्वक चुनाव की अपील भी की। गौरतलब है कि जाखल के 13 वार्ड के लिए 16 दिसंबर को वोटिंग की जानी है, जिनके परिणाम 19 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। मैं 13 नंबर वार्ड से खड़ी हुई थी, पर मैंने और मेरे जेठानी दोनों ने फार्म इकट्ठा भरा था, अब हम जीत गए हैं। उनकी जीत और मेरी जीत, हम दोनों एक ही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल की विरासत को लेकर दुष्यंत और अभय चौटाला के बीच चल रही खींचतान में अब तीसरा हिस्सेदार भी सामने आ गया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने स्वर्गीय देवीलाल की विरासत का खुद को वारिस बताया। रामविलास शर्मा झज्जर जिले के बेरी कस्बे में लाइब्रेरी का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने खुद की दावेदारी पेश की। इस मौके पर रामविलास शर्मा ने बेरी में हरियाणा के पहले सीएम पंडित भगवत दयाल शर्मा के नाम पर लड़कियों के लिए फ्री कॉलेज खोलने की भी घोषणा की। हालांकि रामविलास रोहतक में सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर के चर्चित बयान पर कन्नी काट गए। स्वर्गीय देवीलाल लाइब्रेरी और कॉलेज खोलने की मांग पर चर्चाओं के साथ साथ रोहतक के सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर के चर्चित बयान का भी शिक्षा मंत्री के सामने जिक्र हुआ। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत का बढ़ चढ़कर दावा करने वाले शिक्षा मंत्री सहकारिता मंत्री के बयान पर कन्नी काट गए। हमने इनको काफी सलाह दिया, चौधरी देवीलाल जी मेरे आदरणीय, एमरजेंसी में जेल में मैं उनके साथ रहा। मैं सबसे छोटी उम्र का उस समय नजरबंद था। चौधरी देवीलाल जी, पंडित श्रीराम शर्मा जी, बीजू पटनायक जी और पीलू मोदी, ये सब हमारे वार्ड में रहते थे। मैं उस समय सबसे छोटी उम्र का नजरबंद था, तो मेरे को इनकी सबकी सेवा करने का सौभाग्य मिला। और उसके बाद चौधरी देवीलाल के मंत्रिमंडल में मैं कैबिनेट मिनिस्टर था। चौधरी देवीलाल जी का बड़ा स्नेह था और मैं पिछले 6 महीने से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से आग्रह कर रहा हूँ कि आपको बड़प्पन दिखाना चाहिए, आपको बड़े होकर के अपने पूरे परिवार को इकट्ठा बैठाना चाहिए। इनमें जो बच्चा चलने लायक है उस पर आपको आशीर्वाद। अब ये क्योंकि चौधरी देवीलाल की जो विरासत है ये बिखर रही है, तो मैं इन सबको एक बात कहना चाहता हूँ कि चौधरी देवीलाल का जो मान सम्मान जिसने किया जिसने नहीं किया, आने वाले दिनों में ये अकेले उसके उत्तराधिकारी नहीं है, हम भी चौधरी देवीलाल के उत्तराधिकारी हैं। तो अपने शादी समारोह और अन्य कार्यक्रम के लिए अनेकों प्रकार के आकर्षक निमंत्रण पत्र देखे होंगे, लेकिन भिवानी से बीजेपी के विधायक अपने राशियों के साथियों के साथ एक अनोखा निमंत्रण पत्र बांटते नजर आ रहे हैं। इस निमंत्रण पत्र में एक ईंट को बैग में डालकर जनता को दिया जा रहा है। ये किसी राजनीतिक मकसद से नहीं बल्कि सामाजिक मकसद से भिवानी में आम जनता के सहयोग से 100 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होने वाले अग्रसेन भवन के लिए बांटे जा रहे हैं। निमंत्रण पत्र में दी जाने वाली ईंट पर अग्रसेन लिखा हुआ है। बता दें कि 3.5 एकड़ में 5 स्टार की तर्ज पर 80 कमरों का इस भवन का भव्य निर्माण किया जाएगा, जिसमें आम जनता के लिए शैक्षणिक भवन, मेडिटेशन सेंटर, अस्पताल और औषधालय का निर्माण किया जाएगा। इसकी आधारशिला 27 जनवरी को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल करेंगे। हो गई है और जल्द ही 27 जनवरी को हम इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। हम प्रत्येक अग्रवाल परिवार में जाकर ईट पूजने के लिए उनको देंगे, कहीं पूजा करके आप मुहूर्त वाले दिन लेके आए। तो इस प्रकार की योजना सबने मिलकर बनाई है। मैं इनका छोटा भाई हूँ, लेकिन उन्होंने सबसे पहले मेरे को सदस्य बनाया है, इनका धन्यवाद करता हूँ। और जिस प्रकार से 5 स्टार सुविधाएं हम अन्य शहरों में जाते हैं, होटलों में जाते हैं तो देखने को मिलती है, उसी प्रकार का ये भवन जिसमें 250 से 300 आदमी और 5000 आदमी जिस प्रकार से प्रीतम जी ने बताया है, उनके लिए शादी करने की बैंकेट हॉल में जब जाते हैं तो अच्छी खासी रकम उसमें खर्च हो जाती है।
हम सब मिलकर ऐसा प्रयास करेंगे कि गरीब आदमियों को ये भवन सर्वसुलभ हो, इसके लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। आज बाकोठी से जो अग्रवाल परिवार हैं, एक एक घर में जाकर हम ईंटों का वितरण करेंगे और समाज में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग साथी साथ लेकर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। मैं भाई रामदेव जी का, जुगलाल जी का और आज बढ़ चढ़ कर ये हमारी जमीन की भी वृष्टि हो गई है और सभी प्रकार से हम भवन बनाने के लिए तैयार हैं। और हमारे सरकार के एक मंत्री ने मंच से भी एक ट्रस्टी बनने की घोषणा की। तो इस वक्त के बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।